और आज के इस एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूँ ट्रक ड्राइवर्स के साथ घटी कुछ डरावनी घटनाएं। तो कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम बलबीर है, मैं एक ट्रक चलाता हूं। ये बात तब की है जब देश में कोरोना फैला हुआ था। लॉकडाउन अभी हाल ही में हटा था और कुछ कुछ राहत मिलने लगी थी। मैं एक ट्रक में राशन का सामान पहुंचाकर घर वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में मेरा ट्रक खराब हो गया। पिछले 24 घंटों से मेरा ट्रक एक हाईवे के किनारे खड़ा था। उसमें कुछ खराबी थी जिस पर मैकेनिक काम कर रहा था। सड़क में दूसरी कोई गाड़ी नहीं थी। वो मैकेनिक पास के ही एक गांव में रहता था। वो सुबह से शाम तक उस ट्रक में अपना दिमाग खपाता रहा, मगर उससे भी ट्रक ठीक नहीं हुआ। तंग आकर वो मुझसे बोला कि उस्ताद, ये ट्रक तभी ठीक हो पाएगा जब बाजार खुलेगी, क्योंकि उसके पास भी उस ट्रक के पार्ट्स नहीं थे। उसके बाद वो मैकेनिक अपने गांव की तरफ चला गया। शाम हो चुकी थी, सड़क में दूसरी कोई गाड़ी नहीं थी, क्योंकि कोई भी अपने घर से बाहर निकलने से डर रहा था। मैं ट्रक में चढ़ा और अपनी किस्मत को कोसते हुए अपनी सीट पर सिर पकड़कर बैठ गया। फोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। एक तो ट्रक चालू नहीं हो रहा था, ऊपर से फोन भी बंद पड़ा था, जिसकी वजह से मैं अपने घर पर भी बात नहीं कर पा रहा था। मैंने रात के खाने के लिए स्टोव में खिचड़ी चढ़ा दी। फिर खिचड़ी खाकर मैं ड्राइविंग सीट के पीछे लंबी वाली सीट में जाकर सो गया। करीब आधी रात में मुझे लोहे के औजारों की आवाजें आने लगी तो मेरी नींद खुल गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लोहे के औजारों के साथ मेरे ट्रक के नीचे कोई नट बोल्ट टाइट कर रहा हो। मैंने सीट के नीचे से एक लोहे की रॉड निकाली और एक टॉर्च जलाकर आवाज देता हुआ ट्रक से नीचे उतरा। आ भाई, कौन है? मैंने ट्रक के नीचे टॉर्च की रोशनी डाली तो देखा वहां कोई भी नहीं था। मैंने अच्छे से ट्रक के आसपास भी देखा, मगर वहां भी कोई नहीं था। सड़क के किनारे एक घना जंगल था, उसमें भी मैंने टॉर्च की रोशनी डाल के अच्छे से देखा, मगर जहां तक उस टॉर्च की रोशनी जा रही थी वहां तक मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैं वापस ट्रक में चढ़ा। मैं एक घूंट पानी पीकर वापस लेट गया, मगर मुझे फिर से वही आवाज आने लगी, लोहे के औजार खनकने की आवाज। इस बार मैंने कोई आवाज नहीं की, बस चुपचाप दबे कदम ट्रक से नीचे उतरा और झट से ट्रक के नीचे टॉर्च की रोशनी डाल के देखा, मगर इस बार भी वहां कोई नहीं था। मगर तभी मुझे मेरे पीछे किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। मैंने तुरंत पलटकर उस तरफ देखा तो मुझे खेतों के बीच पगडंडी में कोई भागता हुआ सा दिखाई दिया। मैं उसे गाली देता हुआ उसके पीछे भागा। ये वही रास्ता था जिधर वो मैकेनिक गया था, जिस तरफ उसका गांव था। खेतों के बीच भागते भागते मैं एक ट्यूबवेल के पास पहुंचा। मैंने चारों तरफ टॉर्च की रोशनी से देखा, चारों तरफ सिवाय खेतों के और कुछ नहीं था। आसमान साफ था, चांद पूरा खिला हुआ था, जिसकी चांदनी से दूर दूर तक थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था, मगर वहां दूर दूर तक तो कोई गांव नहीं था। मैंने ट्यूबवेल से पानी पिया और वापस अपने ट्रक की तरफ आने लगा, मगर जब मैं खेतों के बीच पगडंडी में चल रहा था तब मुझे मेरे पीछे से किसी के भारी भारी कदमों की आवाजें आ रही थी। मैंने तुरंत पलट के पीछे देखा, मगर मेरे पीछे कोई नहीं था। मैं वापस अपने रास्ते चलने लगा, तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने पलट कर पीछे देखा, मगर इस बार भी मेरे पीछे कोई नहीं था। मैं इतना तो समझ गया था कि वहां पर कुछ गड़बड़ है, कोई भूत या प्रेत, क्योंकि कदमों की आवाज और मेरे कंधे पर वो हाथ, वो सब इतना सच्चा था कि मुझे यकीन हो गया था कि वहां पर कोई है। मगर उसका ना दिखना इसका मतलब साफ था कि वहां पर भूत है। मैं तुरंत अपने ट्रक की तरफ भागा। मैं खेतों के बीच पगडंडी में बेतहाशा भाग रहा था, तभी मेरी नजर मेरे ट्रक के पास गई। मैंने अपने ट्रक के पास एक काली परछाई को खड़े देखा। अंधेरे की वजह से मैं साफ नहीं देख पा रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हुई उसके करीब जाने की। मैंने टॉर्च की रोशनी उस काली परछाई के ऊपर डाली
तो देखा वहां पर एक आदमी खड़ा था। मैंने ऊपर से नीचे तक उस पर टॉर्च की रोशनी डाली और उसे अच्छे से देखा। वो मुझे किसी नॉर्मल इंसान की तरह दिखाई दे रहा था। मैं उसके करीब गया, तब वो आदमी मुझसे बोला, अब उस्ताद मैं रमेश हूं, अब यहां से कुछ दूर पीछे मेरा ट्रक का टायर पंक्चर हो गया है, टायर बदलने के लिए क्या मुझे आपका जैक मिलेगा? मैं टायर बदलकर वापस दे जाऊंगा। मैंने उस आदमी को अच्छे से देखा। वो आदमी गंजा था, एक आंख से भेंगा था, उसके माथे में चोट का निशान था जिसके टांके साफ दिखाई दे रहे थे, चेहरे में हल्की काली सफेद दाढ़ी थी। मैं अपनी ट्रक में चढ़ा और सीट के नीचे से जैक निकाल के उस आदमी को दे दिया। उसके बाद वो आदमी वहां से चला गया। मैं ट्रक में चढ़ा और मैंने भगवान के आगे माथा टेका और उसके बाद मैं ड्राइविंग सीट के पीछे लंबी वाली सीट में जाकर लेट गया। काफी देर तक मुझे नींद नहीं आई, फिर ना जाने कब लेटे लेटे मेरी आंख लग गई। सुबह किसी ने मेरे ट्रक के गेट में जोर से हाथ मारा। मैं हड़बड़ाकर खड़ा उठा और मैंने खिड़की से बाहर देखा। बाहर वही मैकेनिक था जिसने पिछले दिन मेरे ट्रक को ठीक करने की कोशिश की थी। वो मैकेनिक मुझसे बोला, आओ बाहर आ जाओ उस्ताद, मैं तुम्हारे ट्रक का पार्ट ले आया हूँ, पुराना पड़ा था मेरे पास, इसकी मदद से तुम्हारा ट्रक शहर तक पहुंच जाएगा, बस आराम से ट्रक चलाना। फिर वो मेरे ट्रक में चढ़ा और ट्रक में से कुछ औजार और जैक निकाल लाया। जब मैंने उसके हाथ में जैक देखा तो मैंने हैरानी से उससे कहा, अब ये जैक ये तुम्हारे पास कहां से आया? वो बोला, उस्ताद ये जैक तुम्हारा ही तो है, यही तुम्हारी सीट के नीचे रखा हुआ था, क्यों क्या हुआ? मैंने कहा, कल रात एक आदमी आया था, कुछ नाम था उसका, हाँ रमेश। वो बोला उसका ट्रक पीछे सड़क में कहीं पर पंक्चर हो गया है, तो तब वो मुझसे ये जैक मांग कर लेकर गया था। वो मैकेनिक हैरानी से बोला, क्या नाम बताया आपने उसका? मैंने कहा, रमेश। ये नाम सुनकर उसके चेहरे पर हैरानी के भाव छा गए। वो बोला, क्या उसके माथे में चोट का निशान था? आंखें भेंगी थी, अधेड़ उम्र का गंजा आदमी था। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल यही था। वो मैकेनिक बोला, लॉकडाउन से कुछ दिन पहले इसी सड़क में कुछ दूरी पर एक ट्रक पंक्चर होकर सड़क के किनारे एक पेड़ से जा टकराया था और पलट गया था, तब रमेश नाम का क्लीनर उस ट्रक के नीचे दबकर मर गया था उस्ताद, जैसा हुलिया आप बता रहे हो वो उसी रमेश का था, मुझे पूरा यकीन है कि आपको कल रमेश का भूत मिला था। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उस मैकेनिक से पूछा, अब कल रात मुझे ट्रक के नीचे किसी के होने का भी एहसास हुआ था, मैंने शोर मचाया तो वो उसी तरफ भागा जिस तरफ तुम्हारा गांव पड़ता है। मैंने उसका पीछा किया तो मैं एक ट्यूबवेल के पास पहुंचा। जब मैं उस ट्यूबवेल से पानी पीकर लौट रहा था तब मुझे मेरे पीछे किसी के कदमों की आवाज आई और किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, लेकिन जब मैंने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था और उसके बाद मुझे रमेश मिला। तब वो मैकेनिक बोला, उस्ताद ये इलाका ठीक नहीं है, यहां पर भूत प्रेत और कई आत्माएं घूमती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन भूत है और कौन इंसान। इतना कहकर वो मैकेनिक मेरे ट्रक के नीचे घुसा और ट्रक को ठीक करने में जुट गया। कुछ देर बाद वो वहां से बाहर आया और मैंने उसे 500 का एक नोट थमा दिया। वो आखिरी 500 का नोट था जो मेरे पास था, उसके अलावा मेरे पास सिर्फ 100-100 के दो नोट बचे हुए थे और कोई पैसा मेरे पास नहीं था। वो मैकेनिक पैसे लेता हुआ मुझसे बोला, उस्ताद ट्रक को जरा धीमे धीमे चलाना। इतना कहकर वो फिर उसी तरफ चला गया जिस तरफ वो कल रात गया था। अजीब बात थी, वो उस तरफ क्यों जा रहा था जबकि उधर तो दूर दूर तक कोई गांव था ही नहीं। मैं अपने ट्रक में चढ़ा और ट्रक स्टार्ट करके शहर की ओर बढ़ गया। काफी दूर पहुंचकर मुझे एक गांव मिला और वहां एक ढाबे में मैंने अपना ट्रक रोका और दाल रोटी ऑर्डर की। खाना खाकर जब मैं पैसे चुकाने के लिए काउंटर पर गया, मैंने पैसे चुकाने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला और पैसे बाहर निकाले,
तब मेरे हाथ में 700 रुपए थे। 100-100 के दो नोट के अलावा 500 का नोट भी था, वही आखिरी नोट जो मैंने उस मैकेनिक को दिया था। फिर ये नोट वापस मेरी जेब में कैसे आ गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तब मुझे उस मैकेनिक की बात याद आई। उस्ताद, ये इलाका ठीक नहीं है, यहाँ पर भूत प्रेत और कई आत्माएं घूमती हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन भूत है और कौन इंसान।